आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है जो हम बनाएंगे ब्रेड से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ब्रेड ले लिए, ये वाइट वाले ब्रेड है, तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। तो एक पीस ब्रेड का ले लिया और एक गिलास ले लिया, तो जो ऊपर से तीखा वाला इस तरह से इसको प्रेस कर दिया, ये इसकी शेप बन गई। और साइडों से भी निकाल दीजिए, तो ये थोड़ा सा प्रेस करने पे बड़ी आसानी से इस तरह से शेप बन जाएगी। तो दूसरा भी इसी तरह से कर लेना हमने। ये देखिए, ऊपर से प्रेस किया, थोड़ा सा दबाव डालना पड़ता है। अगर आपसे ये ना निकले तो आप नाइफ ले सकते हो, तो साइड में उससे आप कट कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से नहीं निकल रहा, तो अभी मैं इसको इस तरह से चाकू से निकाल दिया। देखिए, तो सभी मैंने इसी तरह से कर लिए, जितना भी नाश्ता बनाना उसके हिसाब से। और ये मैंने एक चम्मच बड़ा वाला डाल दिया तेल का कढ़ाई के अंदर। तेल गर्म होने के बाद डाल दिया जीरा, साथ ही साथ हरी मिर्चें, और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा प्याज बारीक कटा हुआ, और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने डाला अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इन सब को पका लेना, तो बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, ख़ास करके बच्चों को। तो ये डाल दिया आधा चम्मच गरम मसाला, इसकी जगह आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो। अभी ये प्याज वगैरह सारे अच्छे से हो चुके हैं, अभी हमने इसके अंदर मिलानी सब्जियाँ। तो एक छोटी कटोरी बारीक कटी हुई गाजर और एक कटोरी ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, वो मिला दी। दो तीन मिनट पका लेना इन्हें, तो दो तीन मिनट के बाद इसके अंदर डाल देना नमक थोड़ा सा और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अभी हमने इसके अंदर मिलाना केचप, तो टमाटो केचप हम मिलाएंगे दो बड़े चम्मच। तो टमाटो केचप थोड़ा मीठा होता है, इसलिए हम इसे बैलेंस करने के लिए आधा डारे नींबू का रस, तो खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, इस तरह से एक मिनट के लिए पका लेना है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। लो जी, इसे हमने अच्छे से अभी मिक्स कर लिया। अभी हमने इसके अंदर एक चीज़ और मिलानी है जो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, वो है पनीर। तो पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया, तो ये हमने एक कटोरी पनीर भी डाल दिया कद्दूकस किया हुआ। इन्हें अभी अच्छे से मिक्स कर लेना सबको। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अभी हमने गैस कर देनी है बंद और ऊपर से डाल देना हरा धनिया, और इसे भी इस तरह से मिला लेना। तो हमारा ये वाला भी काम जो हो गया, अभी हम चलते हैं। तो ये हमने ले लिया बेसन, तो बेसन हमने एक कटोरी भर के ले लिया, उसके अंदर मिला दिया पानी। तो इसका हमने घोल तैयार करना है, गाढ़ा सा घोल तैयार करना, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो एक सार कर लेना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने देनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया। अभी हमने क्या करना है, ये हमने ले लिया चकला, और जो हमने ब्रेड के इस तरह से स्लाइस बना के रखे थे वो एक ले लेना है। जो स्टफिंग बना के रखी है ये इसके अंदर भर के पूरी फैला देनी है इस तरीके से, और जो दूसरा स्लाइस है ब्रेड का वो इसके ऊपर रख देना इस तरीके से, और हल्का सा इसे दबा ले ताकि एकदम से मिल जाए आसानी से। ये देखिए इस तरह से, तो इसको हाथों से इस तरह से मैंने दबा लिया। इसी तरह से सारे बना के रख लेने हैं। ये स्लाइस ऊपर रख देना, भी फिर से हाथों से हल्का सा दबा के इस तरह से। तो सभी को मैंने इसी तरह से बना लिया। अभी कढ़ाही में डाल दिया तेल,
तेल ज़्यादा गर्म हो गया, अभी गैस हमने बिल्कुल कम कर दी है। और ये बेसन में इस तरह से अपने नाश्ते को इस तरह से डिबो लेना, चारों तरफ से अच्छे से बेसन लग जाना चाहिए। और इसे अभी हमने डाल देना है फ्राई पैन के अंदर, तो सभी को इसी तरह से डाल देना। कम आंच पे ही सेक लेना दोनों तरफ से। एक साइड से हो गए, अभी पलटी लगा देते हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। और दोनों तरफ से हमने सेक लिया, अभी इन्हें निकाल देते हैं बाहर। तो बढ़िया सा नाश्ता तैयार है, ये देखिए। तो सबको मैंने इसी तरह से निकाल लिया। अभी हमने क्या करना है, जो बाकी वाले बचे हैं उन्हें भी इसी तरह से डाल देना है बेसन में डुबो के इस तरीके से। तो लो जी फ्रेंड्स, ये नाश्ता तैयार। इतना सॉफ्ट है ये अंदर से, ये देखिए। साथ में ले लिया हमने सॉस। और एक चीज़ तो रहेगी, वो है आपको दिखाना इसको काट के कि अंदर से कैसा है। जी खाने में भी बहुत टेस्टी है और दिखने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इसको हम आपको काट के दिखाते हैं। तो जब भी बच्चे जिद करें बर्गर खाने के लिए तो इसी तरह से बना दीजिए और बच्चे बर्गर मांगना बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।